अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ क्या माहौल बन गया जी, दिखा। हेलो जी, फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग बहुत बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अच्छा, उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो बर्फ के बहुत शौकीन है, उन लोगों के लिए व्लॉग बहुत स्पेशल है। और वो लोग इस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस ना करना और ए टू जी पूरा व्लॉग देखना और इंजॉय करना। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, फिर उसके बाद हम चलते हैं बाहर। अभी तरह से रात का टाइम हुआ हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू लग रहा है बर्फ़ का। तो अभी आपको वो व्यू दिखाते हैं और चलते हैं आपको वो व्यू करवाते हैं बर्फ़ का। तो यार अभी मैं तुम लोगों को बर्फ़ का एक ऐसा व्यू करूँगा। अभी थोड़ी सी हल्की की बर्फ़ है और रात का टाइम है ना, इस वजह से बर्फ़ इतनी सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल दिखाऊँ बर्फ़ का व्यू। तो कल दरअसल इसी को जिस तरह का देखा, कल हमें जाना है उधर वापस यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा सुबह सवेरा भी उसमें। तो पहले मैं आपको बर्फ़ का व्यू करवाता हूँ, चेक करें बर्फ़। गाइस मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे बहुत सख्त बर्फबारी हो रही है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाघ के मौजूदा क्षेत्र रकबा लड़ियों में इस वक्त शदीद बर्फबारी के मनाजर आप अपने कैमरा स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं। तो नाजरीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की और इतनी तेज़ लगी है कि बस। तो जिस हिसाब से बर्फ़ लगी है, इस हिसाब से लग रहा है कि रोड छोड़े बंद हो जाएगी और यूनिवर्सिटी कैंसिल। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है यूनिवर्सिटी बंद। अभी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो बर्फ़ बहुत बहुत तेज़ लगी हुई है। और यार ये बर्फ़ का ये नज़ारा देखना हर एक के पास की बात नहीं है। मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ, हम बहुत खुशनसीब है यार जो इस तरह की बर्फ़ हम देख सकते हैं। बात तो सही है। ऊपर कैमरा में थोड़ा सा ऊपर करके भी दिखाओ इनको, कितनी खूबसूरत। तो यार अभी मैं तुम लोगों को बताऊं, जिस तरह रात के एक बज रहे और टाइम बहुत ज्यादा हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ क्या माहौल बन गया जी, दिखाओ जी, देख चेक करो जी। ये क्या हो गया ये? यार मैंने दिखाया, मैंने कहा बर्फ से खेलते, वो बर्फ सीधे मेरे ऊपर आके गिर गई। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अभी मैं यहाँ पे जो लिखूंगा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें। बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है बागिन व्लॉग, सब्सक्राइब करो। अभी हम थोड़ी सी बर्फ का टेस्ट करके देखते हैं बर्फ का टेस्ट होता कैसे। ये यहाँ पे बर्फ थोड़ी सी ऊपर पड़ी हुई है ना, ये बर्फ मेरे अंदर आके खाने के काबिल होगी, खा के चेक करते हैं कैसी टेस्ट है इसका। मजेदार मजेदार, जैसा कभी मैंने तुम लोगों को दिखाया यार बर्फ बड़ी बड़ी हरामी किस्म की बर्फ लगी हुई है यार। आए हाय, चेक कर सकते हो आप ऊपर का व्यू। ओए ओए क्या हुआ, बर्फ पड़ी आंखों में? नहीं। यार अभी बिल्कुल सो के उठाऊँ तो रात के टाइम मैंने हमको तैयार था, काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो अभी बाहर चलते हैं और अभी आपको मैं ऐसा व्यू दिखाने वाला हूँ, ऐसा व्यू कि आप सब देख के हैरान होने वाले हैं और आप लोग कहेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आप ज़रूर कहेंगे। और ये देखना हर एक के बाद वो कुछ नहीं होता, खुशनसीब भी नहीं होती। और मैं समझता हूँ हम बहुत खुशनसीब है जो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो बाहर वो चीज़ देखें और बताएं कैसी लगी आपको, चलते हैं भाई। आए हाय आए हाय।
चेक की ये बर्फ़ कैसी बर्फ़ है, कितनी खूबसूरत। रात को मैंने आपको दिखाई थी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, फिर उस थोड़ी थोड़ी पड़ी, फिर उसके बाद अभी देखे लो यार, बड़ा अफसोस हुआ यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। मस्त जोक मारा। तो आप में से कुछ लोग पता है ये जो ये बर्फ़ होती है ना, ये हर एक की ख्वाहिश होती है। जब वो सुबह उठे, जब हम स्कूलों में होते थे ना, स्कूल में पढ़े, हमारी ख्वाहिश होती है रात को हम सोते थे कि बर्फ़ पड़े और सुबह उठ के देखें अगर तो कोई बर्फ़ ना होना तो बंदे का बड़ा मूड ख़राब होता था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता यार। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा रास्ता, ये ऊपर तक थी, ये सारी नीचे गिर गई है, इस वजह से यहाँ पे रास्ता बंद हुआ। मैं यहाँ पे अकेला यहाँ पे रास्ता निकालने की कोशिश करूँ, पहले तो हम ये करेंगे वो वहाँ पे सब्जी एक भी है वो भी निकालनी है, बड़ा मुश्किल काम है। पहले बर्फ निकालते ये आपको नजर आ रहे होंगे, अभी हमने ये उतारे हैं वही जो यहाँ से मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे, अभी और भी इसके अंदर फंसे हुए उनको भी निकालने की कोशिश। फाइनली यार इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। बर्फ़ बहुत सख्त किस्म की अभी फिर लगी है हल्की हल्की सी, और ये बर्फ़ आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये व्यू करवाया था। तो अभी इसको थोड़ी सी सफाई करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो उम्मीद आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा जैसे व्लॉग आप मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।